हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइगन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमारी आइगन क्लासेस की सीरीज चल रही है PYQ, जिसमें मैंने आपको कल भी बताया था जी, हमारी जो बिल्डिंग मटेरियल सेकंड सोम और तीसरा जो सब्जेक्ट है सोइल, जो अब कंटिन्यू है, जिस अब हम कर रहे हैं। इसकी हमारी आज लेक्चर नंबर 8 है और चैप्टर है शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल आज हम इसके PYQ करेंगे। इस चैप्टर, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के PYQ हम लेक्चर 8 और लेक्चर 9। लेक्चर 9 में जो बचा कुचा टाइम रहेगा उसमें करेंगे नेक्स्ट चैप्टर सोइल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ सोइल चैप्टर जो लास्ट में। इसके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उन्हें भी कर लेंगे, ठीक है, जो चैप्टर नंबर हमारा 9 है और लेक्चर नंबर 9 में करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, जिस इफ़ द एंगल ऑफ इंटरनल फ्लेक्शन फाई फॉर अ सोइल एंगल ऑफ फेलियर प्लेन रिलेटिवली टू अ मेजर प्रिंसिपल प्लेन इन ट्राइएक्सियल टेस्ट विल बी। अगर मैं आपको बात करूं, इन्होंने दे रखा है हमें फाई को इंटरनल फ्लेक्शन बोलते हैं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्लेक्शन कितना दे रखा है 30 डिग्री। अब इन्होंने पूछा है हमसे थीटा सी जो प्रिंसिपल प्लेन का जो एंगल होता है, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन का एंगल थीटा सी, तो इसका फॉर्मूला होता है 45 + 5/2। फाई कितना है हमारा 30, तो 45 + 30/2 15, 45 + 15 60 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या है 16 डिग्री। तो बी इज ऑप्शन, हमारा ऑप्शन बी हमारा सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ सोइल इज मेनली डिस्क्राइब बाई इट्स। अगर मैं सोइल की स्ट्रेंथ की बात करूँ तो सोइल की स्ट्रेंथ हम किस में डिस्क्राइब करते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ या कंप्रेशन स्ट्रेंथ। जो हम सोइल की स्ट्रेंथ डिस्क्राइब करते हैं टॉर्जन में तो करते नहीं है, ठीक है, टॉर्जन स्ट्रेंथ तो हम देखेंगे ना, हम इसमें टेंशन करेंगे क्योंकि सोइल तो टेंशन में वैसे बहुत ज़्यादा वीक होती है, ठीक है। अगर हम कोई सोइल लेंगे और उसे हम टेंशन देंगे तो वो तो एकदम टूट जाएगी, ठीक है, और जी कंप्रेसिव भी नहीं करते, तो हमारा जो है शेयर स्ट्रेंथ है। शेयर स्ट्रेंथ का आपने अगर सोइल पढ़ी हो, ठीक है, सोइल पढ़ी हो, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल में हमने एक इक्वेशन पढ़ी है, टो इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एंड टेन फाई। फाई का आपको पता है सी होता है हमारा कोहिजन, ठीक है, कोहिजन कि अगर हमारी किले है तो सी हमारा मैक्सिमम होगा और हमारी सैंड है तो फाई हमारी जीरो होगी, क्योंकि सैंड में हमारे कोहिजन जो होता है वो जीरो होता है, तो सैंड को हम कोहिजन लेस सोइल भी बोलते हैं, जिसमें मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था जो आपने करी हो कि हमारी कि कौन सी सोइल क्या है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल में भी करा था हमने कि किले में हम क्या नाम है कोहिजन होते हैं, सैंड में हमारा कोहिजन नहीं होता, तो इसे कोहिजन लेस सोइल भी बोलते हैं सैंड को। तो जो हमारी सैंड के लिए फॉर्मूला बनता है टो इक्वल टू सिग्मा एन टेन फाइव बनता है, ये बनता है सैंड के लिए। अगर मैं बात करूं किले के लिए बनता है, ठीक है, किले के लिए हमारा 50 हो जाता है, ठीक है, किले के लिए 50, बस आपको इतना याद रखना है। चलिए शेयर स्ट्रेंथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम जो सोइल की जो मेनली डिस्क्राइब करते हैं वो शेयर स्ट्रेंथ में करते हैं, ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के पर्पज़ से, ठीक है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दिया कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, इस फॉर्मूले के बेस में अभी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, लगभग इससे लास्ट में या एक और बाद में क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द ट्राइएक्सियल टेस्ट। ट्राइएक्सियल टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको शेयर स्ट्रेंथ में कहीं से क्वेश्चन मिलेगा, डेट द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द ट्राइएक्सियल टेस्ट किसी भी एग्जाम में बात करें, ठीक है। पहली बात तो ये बताइए ट्राइएक्सियल टेस्ट हम करते क्यों हैं, क्या निकालते हैं इससे। ट्राइएक्सियल टेस्ट से जो हम निकालते हैं वो हम शेयर पैरामीटर निकालते हैं। शेयर पैरामीटर मतलब जो हमारा सी और फाई। ट्राइएक्सियल टेस्ट की बात करें, जो ट्राइएक्सियल टेस्ट है इससे जो हम निकालते हैं, ठीक है, इसे करते क्यों हैं, इससे निकालते हैं हम सी और फाई।
ट्रायंगल टेस्ट से। ठीक है, अब चलिए हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इनमें से देखते हैं कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस विद इन द स्पेसिमेन ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ स्ट्रेस विद इन द स्पेसिमेन ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ टेस्ट एज वेल एज फेलियर इज द कम्प्लीटली इनडिटर्मिनेट। नहीं, हम फेलियर को इनडिटर्मिनेट नहीं कह सकते हैं कम्प्लीटली। ठीक है, जो हमारा फेलियर होता है वो डिटर्मिनेट पर होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन, ये क्या नाम है हमारा, करेक्ट है, वो इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है, द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द फेलियर प्लेन इज यूनिफॉर्म। जो फेलियर प्लेन होता है, हमारा जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो, इन जैसे हमारे पास कोई सोइल है, ठीक है, और ये है हमारा फेलियर प्लेन। अगर मैं इस पर बात करूँ स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस जो होता है इस पर यूनिफॉर्मली होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यूनिफॉर्म इस प्लेन पर जो हमारा स्ट्रेस होगा वो यूनिफॉर्म होगा, इसी प्लेन पर हमारा ये फेल होगा, जो हमारा सोइल का जो भी हमने सैंपल ले रखा है। ठीक है, तो ये तो हमारा सही है। नेक्स्ट ऑप्शन पर ऑल द थ्री ड्रेनेज कंडीशंस परफॉर्म्ड विद द कम्प्लीटली कंट्रोल अंडर द टेस्ट। ट्राइएक्सियल टेस्ट मात्र एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम जो ड्रेनेज कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ एकमात्र ऐसा टेस्ट है। और सबसे जो कॉस्टली टेस्ट है ट्राइएक्सियल टेस्ट ही है। इसका कंपोनेंट लगभग 15 लाख के आसपास आता है। ये ज़्यादातर जो मिलता है वो आईआईटी, ये छोटे जो कॉलेज होते हैं ना छोटे, इनमें तो ये ट्राइएक्सियल टेस्ट, इसको क्या नाम है, जो एपरेटस है जिसे हम यूज़ करते हैं, वो तो मिलता भी नहीं है। वो ज़्यादातर आईआईटी में और एनआईटी, इन कॉलेजों में मिलता है। एनआईटी में भी कुछ कॉलेजों में है जो ट्राइएक्सियल टेस्ट है, ट्राइजल टेस्ट जो कर क्या नाम परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ड्रेनेज कंडीशन मैंने आपको बताया अभी, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं द प्रेजेंस मेजरमेंट ऑफ द पोर वाटर प्रेशर। इसका मतलब होता है एक्यूरेट। हम इसमें पोर वाटर प्रेशर और वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग टेस्ट इज आर पॉसिबल। हम इसमें वॉल्यूम चेंज और जी पोर वाटर प्रेशर दोनों को एक साथ मेजर कर सकते हैं इस टेस्ट में। ठीक है, जब इतना महंगा कंपोनेंट है तो इस चीज़ का फ़ायदा है हमें। ठीक है, तो इसलिए ही इसे हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करेक्ट द शेयर स्ट्रेंथ, कैलकुलेट द शेयर स्ट्रेंथ इन द टर्म ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेस सोइल ऑन द प्लेन विद इन द सैचुरेटेड सोइल मास एट अ पॉइंट वेयर द टोटल नॉर्मल स्ट्रेस मतलब सिग्मा एन दे रखा है, टोटल नॉर्मल स्ट्रेस, जो टोटल स्ट्रेस दे रखी है इन्होंने, ठीक है, टोटल नॉर्मल स्ट्रेस दे रखी है 295 और एंड द पोर वाटर प्रेशर म्यू दे रखा है हमें 120 और जी सी डैश दे रखा है 12 किलो पास्कल और एंगल ऑफ इंटरनल फ्लेक्शन मतलब फाई दे रखा है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्लेक्शन, ठीक है, ये दे रखा है, फाई दे रखा है हमें 30 डिग्री और 30 की वैल्यू भी दे रखी है 0.578। अब मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में लिखवाया था सिग्मा वो टो इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव, जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, ये हम इफेक्टिव स्ट्रेस यूज करते हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेस का मैंने आपको फॉर्मूला लास्ट वीडियो में आपको कराया था, जब मैंने इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखवाया था। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर को म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेस हमारा कितना है 295 माइनस 120, तो कितना बचा 175। ठीक है, कैलकुलेशन 175। ठीक है, चलिए और मैं यहाँ पे पुट करता हूँ सेल वैल्यू, निकालते हैं शेयर स्ट्रेंथ, टो को शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है, डिनोट करते हैं टो, तो ये कितना है 12 प्लस के सिग्मा एन कितना हो गया 175 10 30 तो 10 30 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने कितनी 0.578। इसे कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है 113.15 किलो पास्कल। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, तो 113.15, तो सी इसमें ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द सेल प्रेशर एंड पोर वाटर प्रेशर इज इंक्रीज फ्रॉम 0.1 N³ एंड 0.6 N³ मतलब स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होना, ये है स्क्वायर मीटर, 0.1
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका इसकी जगह हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इन्होंने थोड़ा लैंग्वेज ठीक है उसमें लिख रखी है, तो कोई कंफ्यूज मत होना, ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो द सेल प्रेशर है, सेल प्रेशर हमारा इतना है ठीक है, और पोर वाटर प्रेशर इतना है, एंड 0.07 मीटर स्क्वायर टू 0.1 इतना था रेस्पेक्टिवली। इन द ट्राइएक्सियल टेस्ट द स्केप्टन पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर, स्केप्टन पोर वाटर प्रेशर आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो स्केप्टन पोर वाटर प्रेशर है इसका पैरामीटर है, इसका ए और बी होता है, हमें बी निकालना है। तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल यू सी ओवर डेल सिग्मा सी। इन्होंने कहा है कि डेल यू सी मतलब सिग्मा पोर सेल प्रेशर दे रखा है सिग्मा, ठीक है, सिग्मा सी कितना है हमारा 0.26 माइनस 0.1, ये है हमारा सेल प्रेशर जो पहला है, इतने से इतना हुआ, और ये है हमारा पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। तो सेल प्रेशर कितने से कितना हुआ, 0.1 से 0.26 हुआ है, तो हमारा डेल्टा सिग्मा सी कितना आ जाएगा, डेल्टा सिग्मा सी है ठीक है, और कितना आएगा 0.16, ठीक है। चलिए और मैं बात करता हूँ आपको पोर वाटर प्रेशर की, तो पोर वाटर प्रेशर तो जिसे मैं डेल यू सी कहूँगा ठीक है, जिसमें हमारा बड़ा कितना है 0.15 बड़ा है, और कितने से 0.07 से, तो ये कितना आ जाएगा 0.08 ठीक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो आपको यूनिट पता होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ 0.16 ओवर 0.08, पॉइंट से पॉइंट गया नीचे 8 × 16, तो हमारे कितना आ गया 2। तो इसका आंसर कितना है हमारा, सॉरी उल्टी वैल्यू रख दी है ठीक है, तो हमारा यू सी कितना है 0.08 ओवर 0.16। ये माइनर मिस्टेक का ध्यान रखना ठीक है, ये आपको देखो ऑप्स मतलब सारी चीज़ करेक्ट होने के बाद भी यहाँ पर कितनी गलती यार, ऑप्शन भी दे रखा है ठीक है। ये क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि आपको करेक्ट आँख खोल के करना है ठीक है, आँख खोल के जो भी क्वेश्चन करना है आँख खोल कर करना है ठीक है, कभी नींद में करो, और जैसे मैंने कर दिया था गलत तभी ऐसी हो जाए। तो मैं अगर किसी वजह से मैं क्वेश्चन करता होता तो मैं डी को ऑप्शन करेक्ट करता, लेकिन ये गलत है ठीक है। तो जीरो यहाँ पे 0.08 ओवर 0.16, पॉइंट से पॉइंट गया तो 8/16, 1/2 करेक्ट, तो हम 1/2 को लिख सकते हैं 0.5, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, इस बात का ध्यान रखना है ठीक है। जो भी क्वेश्चन करना है वो आँख खोल कर करना है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज डिटरमाइंड बाई ट्राइएक्सियल टेस्ट, मैंने आपको अभी बताया था कि हम ट्राइएक्सियल टेस्ट से क्या क्या निकालते हैं, ट्राइएक्सियल टेस्ट परफॉर्म ही क्यों करते हैं। ट्राइएक्सियल टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं सी और फाई निकालने के लिए, सी और फाई निकल गई तो अगर हमने पहले सी और फाई निकाल दिया उसके बाद हम शियर स्ट्रेंथ ठीक है, शियर स्ट्रेंथ निकाल देंगे सोइल की ठीक है। पहले हमें ट्राइएक्सियल टेस्ट करेंगे, ट्राइएक्सियल टेस्ट करने के बाद हम सी और फाई निकाल लेंगे, इसे बोलते हैं शियर पैरामीटर। शियर पैरामीटर निकालने के बाद फिर हम शियर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल निकाल देंगे कि इस सोइल की शियर स्ट्रेंथ कितनी है, तो हम क्या निकालते हैं सी और शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स ठीक है, शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स ठीक है, ऑप्शन सी हमारे इसमें सही है ठीक है। अगर आपको मैं बताऊँ इसमें हमारे चार प्रकार के टेस्ट होते हैं ठीक है, जो शियर पैरामीटर निकालने के लिए, एक होता है डायरेक्ट शियर टेस्ट, डायरेक्ट शेयर टेस्ट, जो सेकंड नंबर पे जो दूसरा होता है वो होता है ट्राइएक्सियल, इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। थर्ड होता है हमारा यू अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, और फोर्थ होता है हमारा वैन शियर टेस्ट। ओहो फोर्थ में इधर लिख रहा हूँ, फोर्थ है हमारा वैन शियर टेस्ट। डायरेक्ट शियर टेस्ट की बात करें तो आपने अगर पढ़ा हो तो हम इसमें एक बॉक्स नीचे लेते हैं ठीक है,
ये बॉक्स होता है, हर एक बॉक्स ऊपर लेते हैं, ठीक है, इसे कम्प्लीटली फिल कर देते हैं सोइल से, जिससे हमें सेज टेस्ट निकालना, इसे हम फिक्स करते हैं, ठीक है, इसे फिक्स कर देते हैं और यहाँ पर लोड लगाते हैं, ठीक है, खींचते हैं अपनी तरफा और यहाँ पे लगाते हैं डेल गेज के, ये कितना स्ट्रेंथ पे क्या नाम है हो रही है, ठीक, कितना स्ट्रेंथ ये झेल पा रहा है। जब ये जितना यहाँ पर लोड जितना लगा रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर हम ये इसका जो प्लेन है ये पहले प्री डिटरमाइंड प्लेन होता है, ठीक है, इसमें प्री डिटरमाइंड प्लेन है ये और इसमें हम प्लेन को चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए ये टेस्ट तो हमारा डल टेस्ट है, ठीक है, इस टेस्ट को बहुत कम परफॉर्म करते हैं, इसमें बस वैसे ही थोड़ा टेस्ट वेस्ट करने के लिए कर देते हैं जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ट्राइगल टेस्ट की बात करें, ट्राइगल टेस्ट में अगर हमारा कोई सोइल सैंपल है, ठीक है, यहाँ पर हमारी प्लेट होती है, एक प्लेट यहाँ पर होती है और जो यहाँ पर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, रबड़ मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है रबड़ मेम्ब्रेन में कि जहाँ पर भी आपकी सोइल वीक होगी वहीं प्रिंसिपल प्लेन बनेगा और वहीं से ही आपकी शेयर हो जाए। यहाँ पर हम डालते हैं स्ट्रेस, ठीक है, जिसे हम सेल्फ प्रेशर भी बोलते हैं और यहाँ पर ये इस तरीके से बॉक्स में बंद होता है, ठीक है, और यहाँ पर एक छेद होता है, ठीक है, जिसमें हम स्ट्रेस लगाते हैं, ठीक है, बाय द वाटर, बाय मतलब जिससे कन्फाइन स्ट्रेस, तो हम ज़्यादातर इसमें वाटर ही लेते हैं, ठीक है, जो मेम्ब्रेन होते हैं अंदर तो वाटर जान नहीं देती, लेकिन यहाँ पर हम वाटर लेते हैं जिससे कन्फाइन स्ट्रेस मतलब कंप्लीट स्ट्रेस लगता है, मतलब यूनिफॉर्म स्ट्रेस लगता है चारों तरफ से, और ऊपर से एक स्ट्रेस और लगाते हैं जिसे सेल्फ प्रेशर बोलते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि शेयर स्ट्रेस मतलब जब हम चारों तरफ से स्ट्रेस लगाएंगे वो तो आगे हमारा यूनिफॉर्म स्ट्रेस, ऊपर से जो स्ट्रेस लगाएंगे शेयर भी उससे पता लगेगा हमारा कि इसके शेयर पैरामीटर का। और यहाँ पे इसमें ड्रेनेज होता है जिससे हम प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, जिसमें पोर वाटर प्रेशर का भी पता लगता है, ठीक है, ये हमारा है पूरा ट्राइगल टेस्ट के बारे में। अब अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट की बात करूँ तो इसमें ही हम ट्राइगल टेस्ट से इसे करते हैं, ठीक है, ट्राइगल टेस्ट से ही इसे करते हैं और जो इसमें ये पानी होता है इसे नहीं लेते, ठीक है, इसे नहीं लेते, बस हम ऊपर से सेल प्रेशर लगाते हैं और हम अनकन्फाइंड कंप्रेसर टेस्ट निकालते हैं। वैन शेयर टेस्ट की बात करें, वैन शेयर टेस्ट की बात करें, अगर आप बचपन में खेल रहे हो तो एक कुछ इस प्रकार से होता है प्लस सा, मैं ऊपर वर्टिकली बात करूं तो ये प्लस टाइप सा होता है, एक मिनट रुको, ये प्लस टाइप होता है, मैं अगर ऊपर टॉप व्यू देखूँ, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से होता है, जैसे एक प्लेट यहाँ पर बना, एक प्लेट ये है और एक प्लेट इसके वर्टिकली है, ठीक है, ऐसे, क्यों ये कुछ प्लेट टाइप होता है और हम इसे मिट्टी में डाल देते हैं, ठीक है, मिट्टी में डालने के बाद इसे ऊपर से यहाँ पर हैंडल होता है इसके ऊपर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हैंडल होता है और इसे घुमाने की कोशिश करते हैं तो उस टॉर्जन की वजह से यहाँ पर वैन शेयर निकालते हैं। और इस टेस्ट को तो हम करते हैं, जो ये वैन शेयर टेस्ट है इसे जो हम करते हैं वो होती है हमारी सॉफ्ट किले, सॉफ्ट किले की बात करें जो सॉफ्ट सोइल होती है, जैसे हमारी मरीन सोइल होती है, ठीक है, और जो हमें ऑप्शन सही लगे उस हिसाब से हमें करना है, जो सॉफ्ट जैसे मरीन सोइल होगी, तो ज़्यादातर जो मैक्सिमम जो इससे टेस्ट वो करते हैं वो मरीन किले के लिए, मरीन सोइल के लिए करते हैं, ठीक है, वो बहुत सॉफ्ट सोइल होती है जो एक्सपेंसिव सोइल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द एंगल ऑफ रिपोज ऑफ द सोइल, द मैक्सिमम एंगल विच कैन आउटर फेस ऑफ द सोइल मास मेक, द एंगल ऑफ रिपोज of a soil, the angle of repose of a soil is maximum angle which of the outer face of the soil must make, ठीक है, the angle of repose, ठीक है, angle of repose of a soil maximum angle which outer face of the soil must make, मतलब जो angle of repose है वो maximum कहाँ से बनेगा, ठीक है, तो जो इसका option है वो option A हमारा सही है, ठीक है, जो angle of repose जो है वो बनता है हमारा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से बनता है एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द वैन शेयर टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द शेयर स्ट्रेंथ, वैन शेयर टेस्ट मैंने आपको अभी बताया है तो आप इसमें से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, इनमें से सबसे सॉफ्ट कौन सी होने वाली है, सैंड, सैंड तो सॉफ्ट होने वाले नहीं तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ग्रेवल ये तो इसका भी बाप होता है, ठीक है, तो किले, किले हम सही कर सकते हैं इस ऑप्शन के हिसाब से, क्ले सोइल, ठीक है, क्ले सोइल थोड़ी सॉफ्ट होती है, इससे वैन शेयर टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वैन शेयर टेस्ट से पैरामीटर नहीं निकलते, डायरेक्ट स्ट्रेंथ निकलती है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द शेयर स्ट्रेंथ इज प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले एंड सैंपल इज ड्यू टू,
अगर मैं सेल स्ट्रेंथ निकाल लूँ, अगर मैं सेल स्ट्रेंथ निकाल लूँ इन अ प्लास्टिक अनड्रेंड क्ले सैंपल इज ड्यू टू, सेल स्ट्रेंथ इन अ प्लास्टिक अनड्रेंड क्ले, अगर अनड्रेंड क्ले की बात करें तो हम क्या निकाल लेंगे, ठीक है। अगर मैंने आपको बताया अगर सैंड हो तो क्या होगा, कोइजनलेस, ठीक है। और अगर क्ले है तो कोइजन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सैंड हमारा कोइजनलेस सोइल है और क्ले हमारी कोहेसिव सोइल है, और सिल्ट हमारी बहुत कोहेसिव भी और कोहेजन लेस भी, क्योंकि इनमें दोनों के पार्टिकल मिले होते हैं, ठीक है। सिल्ट इससे थोड़ी बड़ी होती है, तो इसमें इसे कोहेजन लेस भी बोलते हैं और इसमें कोहेसिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो लिख जो प्लास्टिक किले उसे जो क्या नाम है इसमें जो देखते हैं सेट, तो इससे होता है कोहेजन, ठीक है। प्लास्टिक किले की बात करें अंडरग्राउंड में तो कोहेजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कोहेजन लेस सोइल डिपेंड ऑन कन्फाइनिंग प्रेशर, रेट ऑफ लोडिंग, ड्राई डेंसिटी या ऑल अबव। अब देखिए कोई हमारी कोहेजन सोइल है, ठीक, कोहेजन सोइल है, मैंने आपको ट्राइगल टेस्ट करके बताया था। मैं आपको कोहेजन सोइल लेता हूँ, कोहेजन लेस मैं लिया सैंड। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर मैं ये ड्राई डेंसिटी जिसकी इसकी जितनी ज़्यादा होगी तो उतना ही क्या नाम है इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, तो ड्राई डेंसिटी पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ लोडिंग पे भी डिपेंड करेगा, मैं जिस हिसाब से लोड लगाऊँ इस हिसाब से फेल होगा, ठीक है। तो बी भी हमारा इसका करेक्ट है, ठीक है। अब इस हिसाब से तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया, लेकिन ऑप्शन सी भी देखते हैं। कन्फाइनिंग प्रेशर होता है जो मैं साइड से प्रेशर लगा रहा हूँ, ठीक है, जो कन्फाइनिंग प्रेशर है उस पर भी ये डिपेंड करता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, जिसमें मैंने आपको इसके लगभग 10-11 क्वेश्चन के आसपास कराए हैं आज, ठीक है, 10-11 क्वेश्चन कराए हैं इसके आज, जो 20 मिनट में हो गए हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन कल बचे हैं, 8-9 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिन्हें मैं कल कराऊँगा सर इसके इसी चैप्टर के, और एक चैप्टर और ऐड कर देंगे स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द स्लोप। इसके लास्ट ईयर 2019 में, ठीक है, 2019 में ही क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक, ठीक है। स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द सोइल, इसके दो क्वेश्चन आए हुए हैं, इन्हें कर लेंगे हम लास्ट में, ठीक है, अगले आने वाली वीडियो में, जो कल वीडियो करेंगे हम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में अगर नहीं मिलता है आपको तो हमारे अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ पर भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।